दोस्तों, अगर फिजिक्स लैब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में, तो आपको अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है जिसमें आपको इरर मिल जाए, मतलब कोई आपको ऐसे स्क्रू गेज मिल जाए जिसमें आपको इरर हो, चाहे वो पॉजिटिव इरर हो या निगेटिव इरर हो, या आपको कोई वर्नियर कैलिपर मिल जाए जिसमें आपको इरर पहले से हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस इरर को कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर उस इरर को कैलकुलेशन से हटाना पड़ता है, फिर आप जाके रिजल्ट एक्सपेरिमेंट का निकाल पाते हैं। तो काफी लेंथी कैलकुलेशन हो जाता है। तो आप सभी चाहते थे क्या हमें, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम लोग इस इरर को रिड्यूस कर सके और हम लोग अपने कैलकुलेशन आसानी से निकाल सके और रिजल्ट जल्दी से फाइंड कर सके। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इंस्ट्रूमेंट का इरर, आपको चाहे जो भी इंस्ट्रूमेंट लैब में मिल रहा है, आप उसका इरर हटा सकते हैं और अपना कैलकुलेशन आसानी से और जल्दी से रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ देवानी मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल देव क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इरर कैसे हटाएंगे वो जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि कैसे इंस्ट्रूमेंट में हमारा इरर आ जाता है। तो जैसे आप लोग लैब में जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, तो आप तो पहली बार इंस्ट्रूमेंट करते नहीं, क्योंकि जैसे आपके पास न्यू डिवाइस होगा तो इसमें इरर क्या होता है कि वो इरर करेक्ट करके आपको देते हैं, इरर नहीं रहेगा, जीरो इरर रहेगा। लेकिन आपसे पहले भी बहुत से स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट किए रहते हैं स्कूल में, तो वहां पे क्या होता है कि बार बार यूज करने की वजह से क्या होता है कि वहां पे नट बोल्ट जो होते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो लूज हो जाता है, जिससे वहां पे हमें इरर देखने को मिल जाता है। ठीक है, बार बार रैचेट को आगे पीछे करने से उसमें इरर आ जाता है। तो इसलिए हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसको बार बार आगे पीछे मूव ना करें, उससे क्या होता है कि इरर उसमें प्रोड्यूस हो जाता है। आपको लैब असिस्टेंट बोलेगा भी कि आप ज्यादा इसको आगे पीछे मत घुमाइए और आप उसको आसानी से यूज करिए हल्के हाथ से, तो उसमें क्या होगा, इरर आपको नहीं मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोग इस इरर को हटा सकते हैं। तो इरर हटाने के लिए जैसे आपको लैब असिस्टेंट ने एक स्क्रू गेज दे दिया निकाल के, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि इरर है कि नहीं। तो इरर देखने के लिए क्या करते हैं कि जैसे कि जो सर्कुलर स्केल का जीरो है, मतलब ये जीरो सर्कुलर स्केल का, ये जीरो लाइन के सामने होना चाहिए, तो हम लोग समझेंगे कि इरर नहीं है। ये जो लाइन हमें दिख रही है ये जीरो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टली लाइन जीरो लाइन, तो जो सर्कुलर स्केल का जीरो है इस जीरो लाइन के क्या होना चाहिए, सामने होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे अभी देखिए आप, ये जीरो ये ऐसा होना चाहिए, ठीक, तो इरर जीरो होगा। लेकिन आप इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए जीरो सामने नहीं है, 75th डिवीजन जो है कंसाइड कर रहा है, मतलब इसमें इरर है, जीरो जीरो लाइन के सामने नहीं है तो इरर है। अब इसको क्या करें हम लोग, या तो आप इरर कैलकुलेट करके कैलकुलेशन करिए, फिर इरर हटाइए, फिर आप जो है रीडिंग निकालिए। दूसरा तरीका ये है कि आप इस इरर को हटा सकते हैं और अपना शॉर्टकट तरीके से रीडिंग निकाल सकते हैं। तो इरर हटाने के लिए क्या करना होगा आपको, तो जैसे आप स्क्रू गेज देखेंगे तो इसके साइड में एक बोल्ट लगा रहता है यहाँ पे, तो आप इसको टाइट करके आगे पीछे करके आप इरर को हटा सकते हैं। अगर निगेटिव इरर है तो आप इसको टाइट कर दीजिए, पॉजिटिव इरर है तो आप इसको थोड़ा लूज कर दीजिए, तो हमारा इरर वो क्या होगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखिए ये 75 कंसाइड कर रहा है, तो हम लोग देखिए इसको कैसे जीरो करेंगे। तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा हम लोग टाइट कर देंगे, हम लोग इसको हल्का सा इसको ऐसे टाइट कर दीजिए, देखेंगे आपको इरर जो है वो, अब देखिए यहाँ पे जीरो हमारा हमने ज्यादा टाइट कर दिया, तो देखिए जीरो पीछे रह गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल्का सा और लूज कर लीजिए आप, तो हमको जो है यहाँ पे सही रीडिंग मिलने लगेगी। ठीक है, तो देखिए आप फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो जीरो एकदम सामने लगभग आ गया एकदम, तो हमारा देखिए इरर क्या होता है, टाइट करने से कम हो गया, तो इरर हट गया, जीरो जीरो लाइन के सामने जीरो आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो ये बोल्ट है इसको ढीला और टाइट करके आप इरर को एडजस्ट कर सकते हैं, इरर हटा सकते हैं और आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये बात हो गई स्क्रू गेज का इरर कम करना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर का इरर कैसे हटाएंगे। तो वर्नियर कैलिपर में इरर कैसे पता चलेगा, जैसे आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक वर्नियर स्केल होती है, इस स्कूल के वर्नियर स्केल बोलते हैं और इसको मेन स्केल। तो होना क्या चाहिए कि जो वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट लाइन जो है वो मेन स्केल के फर्स्ट लाइन के सामने होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे इरर जीरो। अगर कुछ ऐसा दिखता है कि ये जो वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन है वो आगे बढ़ गया, इस तरह दिख रहा है आपको, तो हम लोग इसको बोलते हैं पॉजिटिव इरर है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फर्स्ट डिवीजन है थोड़ा पीछे दिखा जाए, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव इरर है। जैसे कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें इरर आपको लग रहा होगा कि नहीं है, इरर देखने को नहीं मिलेगा, एकदम सामने सामने डिवीजन है तो इरर नहीं है इसमें। लेकिन हो सकता है कि चूंकि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो एकदम नया है तो इसमें इरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब जब फिजिक्स लैब में जाते तो काफी यूज किया हुआ इंस्ट्रूमेंट रहता है तो उसमें इरर आपको ज्यादातर देखने को मिल जाता है। तो आप उसको कैसे हटा सकते हैं, वर्नियर कैलिपर में बहुत कम ही इरर देखने को मिलता है, लेकिन आप वर्नियर कैलिपर में क्या होगा कि इरर आने का कारण क्या होता है कि बार बार यूज करना इसमें भी, तो क्या होता है कि यहाँ पे बार बार रीडिंग लेने से, टाइट करने से जो जबड़े होते हैं इसके जॉ जो होते हैं ये फैल जाते हैं, जिससे हम लोग को क्या होता है रीडिंग लेने में
इरर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप क्या करिए कि इस जबड़े को अगर देखिए कि अगर ये पीछे रह जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा क्या करिए कि इसको ऐसे प्रेस कर लीजिए, जबड़े को हल्का सा प्रेस बगल में रख के ऐसे प्रेस कर लीजिए, तो क्या होगा कि आपको इरर कम हो जाएगा। वो अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा पीछे चला गया तो इसको प्रेस कर लीजिए, अगर लग रहा है कि थोड़ा ये आगे है तो इसको थोड़ा सा फैला लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि ये इरर हमको फिर हट जाएगा और हम लोग अच्छे से रीडिंग जल्दी से निकाल सकेंगे शॉर्टकट तरीके से। तो इस तरीके से आप स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर का इरर हटा सकते हैं और अपना रीडिंग आसानी से और कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।